सो हेलो एवरी वन एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और ये बहुत दिन बाद हम वीडियो बना रहे हैं, बट कोई चिंता की बात नहीं है बिकॉज दिस वीडियो इज़ वेरी वैल्यूएबल। और इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी कि हाउ टू अर्न ऑनलाइन। ठीक है, अगर आप में स्किल है तो आप कभी भी ऑनलाइन कमा सकते हो। ठीक है, एंड मैं बीइंग अ स्कूल स्टूडेंट आई अर्न थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, जो और वो भी इन 6 महीनों के अंदर, जो कि मेरे को बूस्ट मिला है, जो कि मैं ज़्यादा कंसंट्रेट करने लगा इन पे। पहले मैं बहुत लाइटली लेता था, लेकिन फिर जैसे मुझे पोटेंशियल पता चला, मैंने इस पे थोड़ी अपनी और थोड़ा सा जोर डालना शुरू किया और अपना टाइम मैनेजमेंट ऑब्वियसली मैंने किया। एंड आई एम अर्निंग थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़, जो कि इसमें रिवील होगा इस वीडियो में। ठीक है, एंड आई एम गोना टेल यू कि आप लोग कैसे वो कर सकते हैं, एंड स्टेप बाय स्टेप गाइड है ये एक ही वीडियो में, पूरे वीडियो में। सो इसीलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। सबसे पहले जानते हैं कि मैं करता क्या हूँ। सो आई एम अ कंटेंट राइटर। ठीक है, आई एम अ फ्रीलांसिंग कंटेंट राइटर। आई राइट कंटेंट फॉर पीपल हु वॉन्ट द कंटेंट टू बी रिटन ऑन देयर वेबसाइट और ब्लॉग्स। ठीक है, सो जैसे किसी को भी अगर ज़रूरत पड़ती है ब्लॉग लिखने की या फिर उनके वेबसाइट के कंटेंट के लिए, तो वो खुद भी लिखते हैं, बहुत सारे लोग लिखते हैं। लेकिन जिनको चाहिए होता है कि एकदम ऑप्टिमाइज कंटेंट हो, एकदम अच्छा कंटेंट हो, जिससे उनकी वेबसाइट रैंक करे, तो वो लोग हम जैसे राइटर्स के पास आते हैं एंड वी गेट पेड फॉर दैट। एंड ये करके ही मैंने थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ कमाए हैं। ठीक है, सो ये वीडियो कुछ पार्ट्स में होने वाला है, राइट? तो फर्स्ट पार्ट है कि हाउ मच कैन यू रियली अर्न। सो अभी मैं अगर आपको ले चलूँ अपने कैलकुलेटर पे, ठीक है, अगर देखो आपको इस इंडस्ट्री में पर वर्ड का पैसा, कुछ पैसा मिलता है, ठीक है, जैसे 30 पैसा, 40 पैसा, 50 पैसा, 60 पैसा पर वर्ड, एक वर्ड का आपको मिलेगा। लाइक अगर लेट्स से 60 पैसा मिल रहा है, तो यानी कि 100 वर्ड लिखने के आपको 60 रुपये मिलेंगे एंड 1000 वर्ड लिखने के 600 रुपये मिलेंगे, विच इज़ प्रिटी डिसेंट। इतना किसी को नहीं मिला, मेरे को भी अभी तक नहीं मिला है इतना। ठीक है, सो लेट्स देखिए, चलते हैं कैलकुलेटर पे और देखते हैं कि क्या है। अगर लेट्स से मैं 2000 वर्ड लिखता हूँ एक बार, क्योंकि आजकल के जो भी आर्टिकल्स मैं लिख रहा हूँ वो 1000 से 2000 वर्ड्स के होते हैं, ठीक है, और दिन भर में एक या दो मैं लिख लेता हूँ। सो एक एवरेज रेट ले लेता हूँ, अभी मैं अपना रेट रिवील नहीं करता, एक एवरेज रेट लेता हूँ 0.3, यानी कि 30 पैसा पर वर्ड, यानी एक वर्ड का 30 पैसा, 100 वर्ड का 30 रुपये एंड 1000 वर्ड का 300 रुपये। सो 0.3 और मैं 2000 वर्ड का आर्टिकल लिखता हूँ, तो 600 रुपये मुझे एक आर्टिकल लिखने के मिल रहे हैं एक बार में। और 2000 वर्ड लिखने में कितना टाइम लगता है, वेल डिपेंड्स कि आप क्या हैं। देखो अभी मैं आधे घंटे में या 45 मिनट्स में मैं 1000 से 1500 वर्ड लिख लेता हूँ, ठीक है। सो और 2000 वर्ड मेरा एक घंटे में पूरा एक आर्टिकल फिनिश हो जाता है आराम से, ग्रामर एरर्स हटाने के बाद, ठीक है। सो ये एक आर्टिकल मेरा मतलब लाइक ऑन एन एवरेज 600 रुपये का हो जाता है। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लें, क्या कहते हैं, 15 दिन से, तो आपको पता चल जाएगा कि 15 दिन में मेरी कितनी पोटेंशियल अर्निंग हो सकती है, 9000 रुपये सिर्फ 15 दिन में, ठीक है। अगेन दिस इज़ पोटेंशियल, मैं इतना अर्न नहीं करता हूँ क्योंकि मैं रोज़ नहीं लिखता हूँ। उसके बारे में आगे बताऊँगा मैं कि आप क्या करें कि आप रोज़ अर्न कर सकें, ठीक है। मैं इतना नहीं, बट मैं इतना अर्न कर सकता हूँ अगर मैं रोज़ लिखूँ, मेरा ज़्यादा टाइम भी नहीं जाएगा, ठीक है, एक घंटा जाएगा, एंड मैं 9000 रुपये 15 दिन में कर सकता हूँ। और अगर इसे मल्टीप्लाई करें 2 से, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना होता है, ठीक है। एंड ये तो मेरी मिनिमम है एक्चुअली, अगर हम मैक्सिमम की बात करें, ठीक है, मैक्सिमम क्या एवरेज की बात करें, तो देखो एवरेज में दिन में 3 से 4.5 हज़ार वर्ड तक लिख लेता हूँ, तो लेट्स से 3000 × 0.3, सो 900 रुपये पर डे। और अगर मैक्सिमम की बात कर लेते हैं, ठीक है, लेट्स से 4500 एक दिन का मैं अगर निकाल लेता हूँ और इसको 0.3 से मल्टीप्लाई करें, देखो तो 1350 रुपये पर डे, ठीक है। अगर 900 रुपये पर डे को अगर हम 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाती 27000 रुपये हमारी जो वैल्यू है, और ये बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। बींग स्कूल स्टूडेंट तो ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और इतना मैं अर्न अभी नहीं कर रहा, ठीक है, आई एम नियर अबाउट इट, क्योंकि मैं रोज़ नहीं लिखता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं है, बट मेरे को टाइम मैनेजमेंट भी अपना करना पड़ता है,
एंड उसके भी एक सोल्यूशन मैंने निकाला जो कि मैं इस वीडियो में बात बताऊंगा। सो दिस मच इज यू कैन अर्न, ठीक है, एक घंटा अपना रोज का लगा के अगर आप इंडस्ट्री में स्टैब्लिश हो गए तो एक घंटा अपना रोज का लगा के आप इतना अर्न कर सकते हो, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में देखो कुछ, देखो अगर आपने कहीं और भी रिसर्च की होगी तो आपको बहुत सारे लोगों ने बताया होगा कि बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ पे आप क्लाइंट को देख सकते हो, क्लाइंट से काम मांग सकते हो, ठीक है, क्योंकि क्लाइंट्स आपके पास नहीं आने वाले, क्लाइंट के पास बहुत सारे लोग हैं इस अभी के टाइम पे, जितने क्या कहते हैं जितने राइटर्स नहीं हैं उस जितने क्लाइंट्स नहीं हैं उससे ज़्यादा राइटर्स हैं। अगर मैं बोलूँ क्लाइंट एक्स हैं तो राइटर्स 3x हैं, ठीक है, कॉम्पिटिशन बढ़ा है बट ये नहीं कि काम की कमी है, काम की कमी बिल्कुल भी नहीं होने वाली है, ठीक है। सो देखो अगर आपने कहीं और वीडियो देखा होगा तो आपको लोग हमेशा बताएंगे कि आप अपवर्क पे जाओ, फाइवर पे जाओ, ठीक है, ऐसी हज़ारों साइट्स होंगी, फ्रीलांसर पे जाओ, ठीक है, ये 3-4 साइट के नाम तो आपको बिल्कुल पता ही होंगे, ठीक है, हर वीडियो में। लेकिन देखो क्या है, बात ये है एक्चुअली, अगर आप इंडिया जैसी कंट्री से हो तो यहाँ पे हर कोई ऑनलाइन पैसा कमाना चाहता है और हर कोई वहाँ पे घुसा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप अपने लैपटॉप पे पूरे दिन नहीं बैठे रह सकते और उस साइट को रिफ्रेश नहीं कर सकते तो आपको काम नहीं मिलने वाला उस पर बहुत जल्दी। अगर आपको एक्चुअली अर्निंग अपनी स्टार्ट करनी है कुछ 15 दिन 10 दिन की प्रैक्टिस के बाद तो आप इन साइट पे नहीं जा सकते, ठीक है, यहाँ पे वेल एस्टैब्लिश राइटर पहले ही बैठे हुए हैं। कोई भी साइट पे चले जाओ, फाइवर पे चले जाओ, फ्रीलांसर पे चले जाओ, वहाँ पे कोई भी कंटेंट राइटिंग का एक काम आया होगा उस पर पहले से लाखों लोगों ने प्रपोजल डाल के रखा है, लाखों नहीं तो हज़ारों लोगों ने प्रपोजल डाल के रखा है। इसमें आपके चांसेस कितने होते हैं भाई, 0.0001% चांसेस है कि आपको कोई अपना कंटेंट दे देगा लिखने के लिए। अब ऐसे में क्या किया जाए, ऐसे में बहुत सारी दूसरी साइट्स हैं और दूसरे सोर्सेज हैं जहाँ आप जा सकते हो, ठीक है। सो मेरा फर्स्ट सोर्स जो है वो है workandhire.com, जो कि आपकी स्क्रीन फ्लैश हो रहा होगा। workandhire.com पे आज भी अगर कोई साइट का ओनर अपना कंटेंट डालता है कि मेरे को भाई लिखवाना है, सो वहाँ पे 20 से 25 से 36 लोग ही सिर्फ रहते हैं जो कि काम करते हैं, ठीक है, और मतलब उस पर प्रपोजल डालते हैं। एंड वहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है एंड देखो अगर स्टार्ट करना है सो वर्क एंड हायर साइट से बड़ा और कोई नहीं है, ठीक है। एंड आप वहाँ पे जाओ, वहाँ पे अपनी प्रोफाइल बनाओ, अपनी स्किल्स सेट देखो एंड वहाँ पे सर्च करो, ठीक है, हर घंटे में आ जाता है, दो देखो दिन में कम से कम 10 तो सिर्फ कंटेंट राइटिंग के आते होंगे, उसमें वहाँ पे बहुत सारा होता है, ठीक है, बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, अगर आपके पास उनके स्किल सेट है तो वो कर लो, लेकिन मैं अपना ही अपनी बात बता रहा हूँ। सो वहाँ पे दिन भर में 10 से ज़्यादा तो आपको पोस्ट मिल जाएंगी, ठीक है, और कोई ना कोई हिट होगा ही होगा, ठीक है, और उसका हिट करने का भी मैं तरीका बताने वाला हूँ। बट ये देखो ये एक वर्क एंड हायर ये साइट हो गई, ठीक है। प्लस इसके बाद आती हैं कुछ फेसबुक ग्रुप्स हैं, ठीक है, आप फेसबुक पे जाओ, अपना अकाउंट फेसबुक पे तो अकाउंट होगा ही सबका, फेसबुक पे जाओ और वहाँ सर्च करो कंटेंट राइटर्स नीडेड या कंटेंट राइटर्स रिक्वायर्ड, ठीक है, ऐसे ग्रुप्स आ जाएंगे, ग्रुप्स में कुछ 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे वो फिल करो, फिर वहाँ पे इतना काम मिलेगा आपको। मैं पहले वर्क एंड हायर साइट पे करता था, मेरे पास 1 क्लाइंट या 2 क्लाइंट रहता था, फिर मैं फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन किया एंड उसके बाद मेरे पास काम की कोई कमी नहीं हुई है अभी तक, ठीक है। सो ये है उसका पोटेंशियल और वहाँ पे बहुत हाई पेइंग क्लाइंट्स भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। सो ये था दूसरा पार्ट एंड लेट्स गेट टू द थर्ड। यहाँ पे आता है हाउ टू अप्रोच क्लाइंट्स। देखो अगर आप कुछ भी अनाप शनाप लिख देते हो कि यस आई एम अ कंटेंट राइटर ये वो सो आपको इससे काम नहीं मिलने वाला, ठीक है। आपको एक अच्छा सा एक पैराग्राफ लिखना पड़ेगा जो कि कंसाइज हो, जिसमें आपके स्किल्स हों और जिसमें बताया जाए, जिसमें आप एक्चुअली बयां कर पाओ कि आप क्या वैल्यू दे पाओगे एंड आपको क्या उसका रिटर्न चाहिए, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। ओके सो पहली चीज़ जो आपके प्रपोजल पैराग्राफ में होगी, ठीक है, क्योंकि इन भी जिस भी साइट या जिस भी फेसबुक ग्रुप्स पे आप जाओगे वहाँ आपको प्रपोजल अपना सबमिट करना ही पड़ेगा। सो इनकी जो भी प्रपोजल पैराग्राफ होगा उसमें सबसे पहले आपको अपना नाम बताना, ठीक है, उसके बाद अपनी क्वालिफिकेशन बतानी है, अपने स्किल्स बताने कि आप क्या कर सकते हो, ठीक है, और हमेशा एक लाइन जरूर याद रखना, आई कैन प्रोड्यूस क्वालिटी कंटेंट विथ नो प्लेजरिज्म। अब प्लेजरिज्म बहुत बहुत बड़ी चीज़ है कंटेंट राइटिंग इंडस्ट्री में। प्लेजरिज्म का मतलब होता है नकल, चलिए, ठीक है, आप जो भी आर्टिकल लिखोगे दुनिया में कोई ना कोई उसे ज़रूर लिखा हुआ है पहले से, क्योंकि इंटरनेट हमारे साथ
ये कुछ 5-6 सालों से नहीं है, बहुत सालों से, ठीक है। सो आपको ये लाइन जरूर लिखनी है कि आई कैन प्रोड्यूस क्वालिटी कंटेंट विथ नो प्लैगियरिज्म, ठीक है। आपने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, अपनी क्वालिफिकेशन दे दी, अपना स्किल सेट दे दिया, फिर आपको बताना है कि आप दिन में कितने वर्ड्स हैंडल कर सकते हो, और कुछ भी मत फेंकना, ठीक है, कुछ भी मत फेंकना, जितना आप कर सकते हो आप अपने आप को टेस्ट कर लो, उसके बाद ही आप करो, ठीक है। तो आपने मान लीजिए जैसे 2,000-3,000 वर्ड, तो ठीक है, पहले आपका इंट्रोडक्शन, फिर आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी स्किल सेट, फिर आप कितने वर्ड्स हैंडल कर लेते हो, और आपका एक्चुअल पे रेट क्या है। देखो अगर क्लाइंट ने पे रेट मेंशन करके दिया हुआ है तब तो कोई बात नहीं है, बट अगर नहीं किया है तो आप अपने हिसाब से अपना पे रेट चूज कर सकते हो, और उसके बाद आपको बार्गेन करना पड़ेगा। दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग अ प्रपोजल, ठीक है। और जीमेल यूज़ करना स्टार्ट कर दो, जीमेल पे बहुत सारे काम आने वाला है, ठीक है। एंड तो मैं आपको एक पैराग्राफ डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप चाहें तो उसे कॉपी पेस्ट कर सकते हो, वो एक अच्छा पैराग्राफ होगा, एक अच्छा प्रपोजल होगा, और आपको सिलेक्ट करवाने में बिल्कुल हेल्प करने वाला है। लेट्स गेट टू द फोर्थ पार्ट। सो जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हाउ टू राइट अ प्रॉपर कंटेंट। सो इसमें आपकी जो मेन जो आपका जो फोकस होना चाहिए वो आपका इंग्लिश होना चाहिए, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। एंड अगर इंग्लिश बहुत अच्छी है उसके बाद भी कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आपके पास जो है बेसिक जो टूल्स होने चाहिए वो ना हो, ठीक है, जो इंडस्ट्री लेवल टूल्स होने चाहिए। सो सबसे पहली बात होती है ग्रामरली, ठीक है, ग्रामरली एक टूल होता है, ग्रामरली में आपके पास एक ग्रामरली प्लगइन होता है, ग्रामरली वेबसाइट भी है, आप वहाँ से अपनी ग्रामर मिस्टेक्स चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं है ग्रामर मिस्टेक्स, तो आप देखिए हमेशा कहीं ना कहीं ग्रामर मिस्टेक, कोई प्रपोजिशन कोई कंजक्शन हमेशा छूट जाता है, ठीक है। सो आपको वो देखना है, फ्री टूल है, ठीक है। फिर आपको प्लैगियरिज्म, प्लैगियरिज्म बेसिकली होती है नकली के, क्योंकि जो भी आपने आर्टिकल लिखा हुआ है वो पहले कोई ना कोई लिख चुका होगा, क्योंकि इंटरनेट में आपका बहुत सालों से है। सो आपको अपनी लाइंस चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है, हमेशा। सो उसके लिए कुछ फ्री टूल्स हैं जैसे duplichecker.com और onetext.com, कुछ और एक क्यूटेक्स्ट भी है जो कि फ्री है कुछ हद तक, लेकिन उसके बाद आपको उसका प्रीमियम देना पड़ेगा, बट इट इज़ एक्चुअली वर्थ इट। अगर आप 2-3 लोग हो जो ये वीडियो देख रहे हो, जो साथ में दोस्त बैठे हो, और आप दोनों लोग स्टार्ट करना है, तो दोनों लोग पैसे मिला के एक अकाउंट ले लो, 750 रुपये में 1 महीने का आपको प्रीमियम मिलता है क्यूटेक्स का, और उसके उससे इतनी डीप सर्च टेक्नोलॉजी है उनके पास कि वो लाइन बाय लाइन चेक करते हैं, और आप अपने कंटेंट को बिल्कुल 100% यूनिक बना सकते हो, और जिससे आपके पे रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है। सो बहुत अच्छे टूल्स हैं जो मैंने बताए। एंड SEO क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसके बारे में आप कई वीडियो देख लो, ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, उसके लिए आपको यूज़ करना है योस्ट SEO, जो कि फ्री टूल है, उसे आप यूज़ करो, एंड आपको योस्ट तो SEO से काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। सो मैंने कुछ टूल्स बताए जो कि हैं ग्रामरली फॉर ग्रामर मिस्टेक्स, फिर क्या कहते हैं योस्ट SEO है SEO के लिए, एंड प्लैगियरिज्म के लिए हमारे पास है duplichecker, onetext.com एंड qtext.com। सो ये 3-4 टूल्स हैं, और इन 3-4 टूल्स को मिला के आप 1,000-2,000 वर्ड का जो भी एक मस्ट कंटेंट लिखोगे ना, सो कोई रिजेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है एक्चुअल पे रेट और आइडियल पे रेट, ठीक है। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप 10 PPW स्टार्ट करो, जिसमें आपको 1,000 वर्ड लिखने के 100 रुपये मिलेंगे। देखो कम लग रहा है मुझे पता है, लेकिन स्टार्ट कर, मैंने भी यहीं से स्टार्ट किया था, एंड काफ़ी है इतना, ठीक है। अगर आप इसे 30 मल्टीप्लाई करो तो आप 3,000 रुपये 1 महीने कमा रहे हो, जो कि कम लग रहा है, बट आप इससे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। अगर आप 10-15 दिन भी ये काम करते हो ना सिर्फ 100 रुपये में, सो आपका आपको सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा, और फिर जैसे आपकी राइटिंग इम्प्रूव होगी सो आप तब आप और भी बड़े पे रेट पे जा सकते हो। सो आइडियल पे रेट मैं बोलूँगा 30 PPW है, ठीक है, यानी 30 पैसा पर वर्ड, इसलिए क्योंकि आजकल क्लाइंट्स कम हैं, राइटर्स ज़्यादा हैं, बट काम की कमी नहीं है। सो अगर आप के पास पोटेंशियल है कि आप 4,000-5,000 वर्ड लिख सकते हो, सो 30 PPW में 4,000-5,000 वर्ड का मतलब लेट्स कैलकुलेट, अगर 5,000 वर्ड्स अगर आप कर रहे हैं, सो आप दिन के 1,500 रुपये निकाल लोगे, और इसे अगर 30 से मल्टीप्लाई करें तो फिर आप 45,000 रुपये निकाल सकोगे, जो कि बहुत ही अच्छा अमाउंट है, बहुत कम लोग कर पाते हैं इतना। सो मैं बोलूँगा आइडियल पे रेट इज़ 30 PPW, बट एक्चुअल पे रेट जो आपको स्टार्टिंग में मिलेगा वो
10 PPW या फिर आप जैसे 20 पे आओगे, 30 पे आओगे, 40 पे आओगे, 50 तक भी जाते हैं। मेरा हाईएस्ट जो गया है 50-55 PPW तक गया है, 60 PPW भी था, बट अब वो क्लाइंट को कहा मैंने छोड़ दिया है। सो क्लाइंट भी आते जाते रहेंगे, ये इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा एंड निराश कभी नहीं होना, ठीक है। सो वॉट नॉट टू डू इन कंटेंट राइटिंग एंड हाउ टू सस्टेन। सो बेसिकली आपको क्या नहीं करना चाहिए, देखिए चालाकी हर फील्ड में होती है, लेकिन इस फील्ड में चालाकी बहुत आसानी से पकड़ी जा सकती है। इस फील्ड में क्या चालाकी होती है, स्पिनिंग। अगर आप कोई भी टूल यूज़ करके पूरा आर्टिकल किसी रोबोट से लिखवा ले रहे हो, सो वो आपको पकड़ में आ जाना चाहिए। और ऐसा बहुत लोग करते हैं और पकड़े जाते हैं, उनके खिलाफ केस भी हो सकता है, ठीक है। इट इज़ अ प्रीटी सीरियस थिंग। जो लोग लाखों कमा रहे हैं, अगर आप उनसे ये झोल करोगे तो आप पकड़े जा सकते हो कंज्यूमर फोरम पे, ठीक है। वो कंप्लेन कर सकते हैं, आपके खिलाफ केस भी हो सकता है। एंड आर्टिकल लिखते समय कभी भी टूल्स का यूज़ मत करो, आर्टिकल लिखने के बाद टूल्स का यूज़ करो, वरना आपका पूरे दिन लग जाएगा एंड आपका काम बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। यही कुछ चीज़ें हैं जो, और देखो हमेशा एथिकल रहो, ऑथेंटिक रहो और यूनिक रहो। अगर आप ये तीन चीज़ें करते हो तो आप बिल्कुल सस्टेन कर सकते हो। और अपना टाइम मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप अपना पुराना सारा काम छोड़ के इस पर मत बैठ जाओ, ठीक है। आपको टाइम 1-2 घंटा इस, देखो बहुत ज़्यादा होता है 1-2 घंटा प्राइस पे देना, एंड यू कैन अर्न प्रिटी वेल बाय इन्वेस्टिंग 1-2 hours ऑफ योर डे इनटू दिस थिंग। अब व्हाट आर द अदर सोर्सेज ऑफ इनकम कैन यू जनरेट, ठीक है। अब देखो मैं जैसे हूँ स्कूल स्टूडेंट, तो मैंने आपको बताया कि मैं रोज़ नहीं लिखता हूँ, लेकिन मैं रोज़ कमा लेता हूँ। देखो इसका एक जो सीक्रेट है वो ये है, आउटसोर्सिंग, ठीक है। आप हाई पेइंग क्लाइंट लाओ एंड लो पेइंग राइटर लाओ। हाई पेइंग क्लाइंट, जैसे मान लो 60 PPW का आपके पास क्लाइंट है और 20 PPW का आपके पास राइटर है, तो बीच का क्लाइंट तो आपको देगा 60 PPW के हिसाब से, आपको राइटर को देना है 20 PPW के हिसाब से, जो बीच का 40 PPW वो आपका। बट अगर आप सोच रहे हो कि बहुत आसान है, अब मैं राइटिंग नहीं करूँगा आउटसोर्सिंग करूँगा, तो बिल्कुल गलत हो, ठीक है। स्टार्ट करने के लिए, इंडस्ट्री की समझ आने के लिए आपको राइटिंग करनी ही करनी पड़ेगी, तभी आपको समझ में आएगा कैसे चीज़ें काम करती हैं। एंड आप जिम्मेदार हो गए अगर राइटर ने कोई गलती की, सो इट बहुत बड़ा स्टेप होता है ये, ठीक है। मैं ये करता हूँ एंड आई एम अर्निंग प्रीटी वेल राइट नाउ इससे, बीइंग अ स्कूल स्टूडेंट ओनली। एंड आप अगर ये करो तो आपके ऊपर ही सारी जिम्मेदारी रहती है। आपको ये चेक करना होता है, आपको चेक करना होता है कि प्लैजरिज्म है या ग्रामर मिस्टेक तो नहीं है, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड है या नहीं है। सो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप एक फाइन, और भी तरीके हैं सोर्सेज से, अगर आप फाइनली इंडस्ट्री समझ लेते हो तो आप खुद की वेबसाइट भी स्टार्ट कर सकते हो। आप ही राइटर हो जाओगे, आप ही ओनर हो जाओगे, सो वो भी स्टार्ट कर सकते हो। एफिलिएट मार्केटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। अगर आप एफिलिएट साइट, एफिलिएट ब्लॉग खोल लेते हो, सो उससे आपकी अर्निंग हो सकती है, ठीक है। तो आपको मैंने 2-3 अर्निंग के सोर्सेज बता दिए। पहला है आउटसोर्सिंग, दूसरा है वेबसाइट ओपनिंग, वेबसाइट ओनर होना, और तीसरा है एफिलिएट ब्लॉगिंग। सो ये 3 सोर्सेज हैं एंड आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर लॉन्ग टाइम नाउ, एंड 2020 में मुझे बहुत बूस्ट मिला इससे, बिकॉज मेरे पास थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा था। सो आई हैव डन प्रिटी वेल इन इट, एंड इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि और लोगों को भी सीखने की जरूरत पड़ेगी। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सबसे प्रैक्टिकल वीडियो है यूट्यूब पर जो अभी तक मैंने देखा है, ठीक है। यहाँ आपको जो भी ज्ञान मिला है, इससे ज़्यादा ज्ञान कोई नहीं देगा, ठीक है। ये इन डेप्थ है, बिल्कुल सीक्रेट्स रिवील्ड हैं, क्लाइंट्स आते जाते रहेंगे, आपको अपनी पेशेंस बनाए रखनी है एंड देन यू विल डेफिनेटली सक्सीड, ठीक है। पेशेंस लूज मत करो, होप लूज मत करो, एंड यू विल डू जस्ट फाइन, ठीक है। सो इट्स वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।